युद्ध लड़ा अजीत का युद्ध, और युद्ध लड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये क्या खून बह गया और इस खून से वे बेहद नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि आज से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बुद्ध की शरण में गए। और बुद्ध की शरण में जाने के बाद जब उन्होंने ये सोचा कि मैं भी खुद भिक्खु बन जाऊं, पर उन्होंने ये बात नहीं की और अपना पुत्र और अपनी पुत्री जो महेंद्र और संघमित्रा को धम्म दीक्षा देकर श्रीलंका भेज दिया, भारत में बौद्ध धर्म फैलाया और 84,000 स्तूप निर्माण किए। कितने? 84,000। ये अशोक विजयादशमी की महत्ति है। उसके बाद में, क्योंकि ये 3 साल बाद हुआ था, 300 साल बाद हुआ था तथागत भगवान बुद्ध के धम्म दीक्षा के बाद, धम्म चक्र परिवर्तन के बाद। आपकी दीक्षा हो गई, लेकिन अभी अधूरी दीक्षा स्वीकार करते हुए आवा साहब की आई प्रतिज्ञाएं ब्रह्मा विष्णु मैं कभी पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा, मैं इस बात श्राद्ध नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को समानता का स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग को पूर्ण पालन करूंगा, मैं प्राणी मात्र पर दया कर रखूंगा मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों ज्ञान शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र में उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है बौद्ध धर्म ही सत धर्म है। मैं ये मानता हूँ आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँ। आप लोग 3 बार बैठ कर अपने टीम का नमस्कार करो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।